जब मुझे मौका मिला तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, महिलाएं, ऐसा नहीं है कि महिलाओं को जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहिए, मुझे तो लगता है कि महिलाएं पुरुषों से कम ही नहीं है, उनसे आगे है, कुछ भी कर सकती हैं, तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहिए। और अब तो उस समय तो खबर लहरिया में ही महिलाएं थी, लेकिन अब अन्य चैनलों में भी महिलाएं आ गई। Hello and welcome to the fifth episode of the Anayata Speaker Series, a Carnegie India initiative that celebrates stirring stories of empowerment, struggle, and success from women professionals in different fields across the globe. I'm Aditha Saxena, Communications and Program Coordinator at Carnegie India. On today's episode, I'll be speaking to Geeta Devi. Geeta Devi is the chief reporter at Khabar Lehriya, which is India's only women-led media organization. Her reports on environment, climate justice, migration, including her investigative pieces, have earned her great repute in the world of reportage, both national and with her appearance in a Google News initiative short, international as well. As Khabar Lehriya completes its 20th year this year, a documentary on the organization titled Writing with Fire has been nominated for the Oscars. नमस्कार गीता, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि आप खबर लहरिया से कैसे जुड़ी और एक महिला पत्रकार बनने के लिए आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आप उनसे कैसे उभरी? देखिए, सपना तो नहीं था मेरा कुछ भी कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगी या कुछ भी, ऐसा सपना नहीं था। और मेरी शादी बहुत हल्की उम्र में हो गई थी, मैंने 8वीं पास किया था, वही 14 साल की थी। और इसके बाद हमारे गांव में स्कूल नहीं थे, मम्मी पापा बाहर भेज नहीं सकते थे। जब शादी हो गई तो काफी अड़चने थी, बुंदेलखंड का जो बहुत अलग रिवाज है कि दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित करना या ऐसे कुछ, तो मैंने कुछ समय तक सहा और कुछ समय बाद फिर हम अलग अलग हो गए, दोनों पति पत्नी। तो जब हम अलग हो गए तो आप तो समझ सकती हैं कि एक लड़की का ना तो कोई घर होता है और ना तो कोई पहचान होती है, क्योंकि अगर वो ससुराल जाएगी तो फलाने की पत्नी, फलाने की बहू है, ससुराल वाले कहेंगे पराई बेटी है, और अगर मायके में रहती है तो फलाने की लड़की है, फलाने की बहन है, ये बोला जाएगा। और मायके में ये कहिए तो पराया धन। तो ऐसा कुछ मेरे साथ भी था। और जब मैं अलग हो गई तो मुझे लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा के साथ मैं कितने दिन रहूंगी, और उस समय मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी। तो काफी दिन, मतलब कुछ समय तक मैं 5-6 महीने तक घर में रही, और इसके बाद केस हो गया तो पापा मेरे समझौते की बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि अगर मैं कमाऊंगी तो हो सकता है मेरे पापा मेरे कहने से आगे केस लड़े। हाँ, उम्र इतनी नहीं थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इतनी ज्यादा परिस्थितियों से गुजरी थी तो समझ आ रहा था कि कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि ससुराल वालों ने खुद से मुकदमा किया था पहले और मेरे पापा पीछे हट रहे थे। तो उसी वक्त हमारे गांव की एक लड़की थी जो एक संस्था में काम करती थी, और उसने बताया कि एक संस्था है खबर लहरिया जिसमें जगह है अगर आपको करना है। और जिस संस्था में वो काम करती थी वो लोग मानव अधिकार में काम करते थे, तो उसने कहा कि हमारे यहाँ से आप सहमति पत्र भर सकते हो आपको अगर केस लड़ना है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि केस तो हो गया है क्योंकि ससुराल वालों ने किया, तो फिर हमने भी कर दिया है मेंटेनेंस का।
लेकिन ठीक है, हम आपके ऑफिस आएंगे और देखते हैं, अगर कुछ कर सकती है, अपने पैरों खड़ी हो सकती है तो अच्छी बात है। तो मैं वहाँ पर गई उस मानवाधिकार के ऑफिस और मैंने वहाँ पे सहमति पत्र भरा जो हमारा केस चल रहा था उसका। इसके बाद खबर लहरिया ऑफिस गई तो मैंने बताया अपनी परिस्थिति, एप्लीकेशन लिखा कि मुझे काम की ज़रूरत है। इसके बाद मेरा एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गया और दूसरे दिन मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो मैं तो बहुत खुश थी कि चलो, थोड़ी एक कहते हैं ना कि अंधेरे में अगर रोशनी का एक चिराग जल जाता है तो वो बहुत होता है। तो मुझे तो लगा कि नहीं, शायद मेरी किस्मत साथ देगी। पर मेरे पापा नहीं इस चीज़ को मान रहे। पापा ने कहा कि नहीं करना, बेटियां घर के बाहर अच्छी नहीं लगती और जर्नलिस्ट बनना तो बहुत अलग तरह का काम है, तो ये तो बिल्कुल। क्योंकि मेरी पढ़ाई भी उतनी नहीं थी और खबर लहरिया एक ऐसा मंच था जो कम पढ़े लिखे लोगों को लेता, तो मैं पापा से अपने छुप के, मम्मी मेरी साथ दे रही थी। तो जब मेरे पापा मार्केट चले गए, क्योंकि गांव से 15 किलोमीटर दूर है मार्केट बांदा हमारे यहाँ से, तो जब पापा चले गए तो मम्मी ने कहा जाओ, चली जाओ, इंटरव्यू दे आओ और पापा के आने से पहले वापस आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। और उस समय मेरा मेरे छोटा सा बच्चा था, मतलब 7-8 महीने। तो मैं गई, इंटरव्यू दे आई और पापा के वापस आने से पहले घर आ गई। पापा को कुछ पता नहीं चला कि इंटरव्यू दे आई, क्या हुआ क्या नहीं। इसके 5वें दिन मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। तो अब तो पापा को पता चलना ही था, क्योंकि ट्रेनिंग में तो मैं छुप के नहीं जा सकती, वहां तो एक हफ्ते की ट्रेनिंग थी। तो मेरे मम्मी पापा के बीच काफी झगड़ा हुआ कि आपने बिना मुझसे पूछे क्यों भेज दिया। और रिश्तेदारों में, क्योंकि मेरे मामा लोग थोड़ी बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं और वो बांदा में ही रहते हैं, तो उनको ये लगा, क्योंकि उस समय प्रिंट था, ये 2-2 रुपए का पेपर दुकानों बेचेगी और काम करेगी, हमारी नाक कटाएगी, अच्छा नहीं लगता, ये वो काफी उन्होंने बातें रखी। लेकिन फिर भी मम्मी ने पापा को समझाया, पहले झगड़ा हुआ फिर समझाया कि आप कितने दिन खिला दोगे, मान लो कि अगर वो नहीं जाना चाहती, किस तरह के लोग हैं, तो फिर आप क्या क्या करोगे, आप जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं खिला दोगे, फिर कौन खिलाएगा। तो पापा फिर थोड़ा समझे और मैं चली गई। फिर इंटरव्यू हो गया, मेरा ट्रेनिंग हो गई वहां पे और मैं सिलेक्ट हो गई। तो फिर मैंने काम करना शुरू किया। फिलहाल अब धीरे धीरे समय बदल गया तो पापा मम्मी खुश हैं आपकी, हाँ। और दूसरा बात अब ये है कि अब पेपर भी नहीं बांटना पड़ता, तो आप खुश हैं कि चलो उस समय हमने गलत सोचा पर आज अपने पैरों पर खड़ी। बहुत खूब, आपकी कहानी सुन के मुझे भी काफी अच्छा लगा। इसी बात पे आपने जैसे अभी बोला कि एक जर्नलिस्ट बनना, एक पत्रकार बनना आसान बात नहीं है, एक महिला पत्रकार बनना, तो मैं उसी बात पे पूछना चाहती हूँ कि आप और महिलाओं को कैसे प्रेरित करती हैं या उन्हें कैसे मनाती हैं कि वो आपकी संस्था को, आपकी संस्था से जुड़े और मतलब ऐसे मुश्किल प्रश्न करें लोगों से, चाहे वो आदमी से प्रश्न करना हो, औरत से या बड़े बुजुर्गों से, तो आप उन्हें कैसे प्रेरित करती हैं, उन्हें कैसे मनाती हैं? देखिए, जब कोई महिला प्रताड़ित है या कोई अपनी इच्छा से भी काम करना चाहता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौका तक सीमित रहे। मुझे तो ये लगता है कि चाहे वो महिलाएं अपने घर में खुश हो, उनकी किसी चीज की कमी ना हो, और चाहे वो पीड़ित हो, लेकिन उनको बाहर निकल के आना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, जो मेरी सोच। क्योंकि हर समय एक नहीं होता है, कभी ना कभी उतार चढ़ाव होते हैं और फिर महिलाओं को ही उस चीज का सामना करना पड़ता है। तो मुझसे जब कोई मिलता है और ऐसे करता है, तो पहले तो मैं उनकी मन की बात जानती हूँ कि आखिरकार वो चाहते क्या है, और इसके बाद मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आपके मन में कुछ कर दिखाने की उम्मीद है, हौसला है, तो आप लड़ने को मत डर जाइए, क्योंकि लोग तो कुछ भी बोलते रहेंगे। और ये शुरुआत अपने परिवार से ही होती है, तो हमें पहले तो परिवार से ही लड़ाई लड़नी पड़ती है, समाज तो फिर बाद में, समाज तो परिवार भी मान जाएगा तब भी
समाज चलेगा। तो मैं उनको यही प्रेरणा देती हूँ कि अगर आपको कुछ करना है तो आप कर दिखाइए, लड़ाई के लिए नहीं डरिए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए और अपने मुकाम तक पहुंचिए। बहुत बढ़िया बात। मैंने खबर लहरिया के इंस्टाग्राम पर देखा कि इस हफ्ते आप महिला सशक्तिकरण के बारे में काफी चर्चा कर रहे हैं, तो आपकी राय में ग्रामीण भारत में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का अर्थ यही है कि अपने आप में मजबूत होना, आत्मनिर्भर होना और अपने पैरों पर खड़े होना, ये एक बहुत शक्ति है जी। और खबर लहरिया के माध्यम से वो मतलब सशक्तिकरण आप पूरा कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण हो रहा है। हम कहीं भी जाते हैं, हमें कोई भी ऐसी महिलाएं मिलती हैं जो बोलती हैं, और अब तो बहुत आसान है, मतलब हम लोग जब फील्ड जाते हैं, बहन जी आप हमको भी लगा लीजिए ना अपने साथ, और ना कुछ करेंगे तो आपके साथ आपके बैग ही टांगे रहेंगे, ऐसे बोलती। तो मैंने कहा चलिए आपके मन में अगर ये हौसला है तो काम करिए, कोई ये थोड़ी नहीं है कि नहीं यहाँ करना चाहिए, कहीं भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि खबर लहरिया में ही, खबर लहरिया में जुड़ना चाहते हैं तो वहां भी जगह है, नहीं जुड़ना चाहते कहीं और करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन अच्छी बात है कि निकल कर महिलाएं आ रही हैं और वो हमारे माध्यम से आ जी। और उन्हें जर्नलिस्ट बनने का कैसे, उन्हें एक सपना सपना है उनका, और महिलाओं का जर्नलिस्ट बनने का कैसा सपना है? देखिए जैसे मैंने बताया कि मेरी तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी ना मैंने मेरा सपना था, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना था कि कोई भी नौकरी हो उसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई होती है, बहुत ज्यादा डिग्रियां होती हैं तब जाके नौकरी मिलती है, बहुत ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए बैठे रहते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती, और फिर जर्नलिस्ट बनना इसके लिए तो एक अलग पढ़ाई होती है, अलग कोर्स होता है, तो फिर हम कैसे सपना देख सकते हैं कि बनेंगे। लेकिन जब मुझे मौका मिला तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, महिलाएं, ऐसा नहीं है कि महिलाओं को जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहिए, मुझे तो लगता है कि महिलाएं पुरुषों से कम ही नहीं है, उनसे आगे है, कुछ भी कर सकती हैं, तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहिए। और अब तो उस समय तो खबर लहरिया में ही महिलाएं, लेकिन अब अन्य चैनलों में भी महिलाएं आ गई और वो हमारे देखी से कहा हमारे बांदा में खुद जी। आपको खबर लहरिया के साथ जुड़े हुए करीबन 10-12 साल हो चुके हैं, तो आपकी ऐसी हाँ जी तो आपकी ऐसी कौन सी एक कहानी या रिपोर्ट रही है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए जब से मैंने खबर लहरिया में काम करना शुरू किया तो जो क्षेत्र मुझे मिला था वो काफी आउट था, और मैं कभी मतलब इतनी बड़ी हो गई थी पर मैं उस क्षेत्र नहीं आई थी, था बांदा जिले में लेकिन मैं आई नहीं थी कभी। जब मेरा चयन हुआ और मुझे बांदा दिया गया तो चूंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे घर में प्रॉब्लम थी, मेरे मम्मी पापा मना कर रहे थे, मेरे मामा लोग बड़े लोग हैं और वो वहीं बांदा में रहते हैं तो वो इतराज कर रहे थे इस चीज का, तो मैंने खुद से क्षेत्र चुना, मुझे बांदा मिला लेकिन मैंने मना कर दिया और मैंने कहा कि मुझे नारायणी दे दीजिए, क्योंकि मैंने सोचा कि वो बांदा से थोड़ा दूर है तो अगर ये लोग इस तरह से सोच रहे हैं तो मैं क्यों ना इनसे थोड़ा दूर जाके काम करूं, ताकि इनका मेरा रोज सामना भी नहीं पड़ेगा और मैं अपना काम भी आराम से कर पाऊंगी, तो इसलिए मैंने ये क्षेत्र चुना था। पर मुझे लगता है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सिर्फ अपना हौसला होना चाहिए। नहीं बिल्कुल। आप किन मुद्दों में ज्यादा रुचि रखती हैं और किन मुद्दों पे आप ज्यादा काम करना चाहती हैं? देखिए जब शुरुआत हुई थी तो जैसे मैंने ये क्षेत्र बताया तो मुझे इस क्षेत्र के बारे में कोई पता नहीं था, और उस समय आज के 10 साल हो गए, उस समय यहाँ पे जो आउट क्षेत्र था यहाँ पे रिक्शे तक नहीं चलते, सिर्फ घोड़े तांगे चलते थे, और मुझे क्षेत्र पता नहीं था तो मैं 100 रुपए का घोड़ा तांगा बुक करती थी और उससे बोलती थी भैया ऐसे क्षेत्र ले चलो, मतलब ऐसे रोड में जहाँ पे 2-3 गांव पड़े तो मैं रास्ते में काम करती जाऊँ, ऐसे मैंने अपनी पहचान बनाई इस क्षेत्र में।
और फिर मैंने आगे आके काम किया। तो उस समय तो मैं हर तरह की कवरेज करती थी, कोई भी खबर हो। और उस समय ये था कि एक कैमरा होता था, तो एक दिन मुझे मिला तो एक दिन किसी और को मिला, इस तरह से होता था। और हम खबरें करके लाते थे और फिर रात में उनको लिखते थे, ड्राफ्ट बनाते थे उनका। और इसके बाद साप्ताहिक मीटिंग होती थी, तो हम वहां पे जाके शेयर करते अपनी अपनी खबरें, और उनमें देखते थे कि कौन सा मुद्दा ज्वलंत है, जो ताजा है और ताजे पेज मतलब फ्रंट पेज में जाने लायक है, कौन सा मुद्दा विकास के लायक है, कौन सा मुद्दा मतलब महिला मुद्दा में, इस तरह से हम पेजेस बनाते। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गए तो वीडियो बनने लगे, तो उसमें भी उसी तरह की खबरें थी। लेकिन अब कुछ सालों से मतलब हाँ 3-4 साल तो हो ही गए, अब हमारा बीट हो गया है, बीट बाय। तो मेरा जो बीट है वो पर्यावरण प्रदूषण, और मैं अपने बीट पे काम करती हूँ जी। तो काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है आज के जमाने में। इसी बात पे अभी आपने बताया कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी 3-4 साल पुरान मतलब 3-4 साल से आपने शुरू किया। तो खबर लहरिया ने 2002 में समाचार पत्र के रूप में शुरुआत करी और 2015-16 में प्रिंट से डिजिटल में कदम रखा। तो क्या ये परिवर्तन आपकी संस्था से जुड़ी महिलाओं के लिए आसान था? किन मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा और आपने ट्विटर, यूट्यूब और अपने मोबाइल को कैसे इस्तेमाल किया अपने क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए? जी देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं था। जब हम प्रिंट थे तो हमारे यहाँ एक कंप्यूटर ऑपरेटर आता था जो हमारी खबरों को टाइप करता था और फाइनल करता था। हम लोग उसको देखते थे कि कहाँ गलतियां हैं कहाँ नहीं है, और फिर वो फाइनल करता था कंप्यूटर में और मेल भेजता था प्रेस के। कई बार मेरे मन में सवाल उठता था कि मैं क्यों नहीं चला सकती हूँ कंप्यूटर, मुझे भी चलाना। पर जब हम उसके पास खड़े होते थे और पूछते थे कुछ, तो कहता था अच्छा चलो यहाँ से ये छू लोगे बिगड़ जाएगा, तो हमें डर लगता था कि अरे कहीं ऐसा नहीं कि छू ले तो बिगड़ ना जाए सच में। तो ऐसे काफी दिन चला। इसके बाद हमारी लखनऊ में ट्रेनिंग हुई, बेसिक ट्रेनिंग जो कंप्यूटर की होती है 1 हफ्ते की, तो वहां पर मैंने सीखा। मतलब उसके पहले जब कंप्यूटर छूने नहीं देते तो मुझे बहुत लालसा थी कि मैं सीखूं। तो जहां पे मैं रहती थी नारायणी में, वहां पे एक कंप्यूटर सेंटर था, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे सिखा देंगे? तो बोले कि हाँ 300 का महीना लगेगा। मैंने कहा कि ठीक है। तो मैं वहां पे 2 दिन गई, तो मतलब मुझे बटन दबाने के लिए उन्होंने बताया, पर मैं जितनी देर जाती उनके यहाँ कोई टीचर ही नहीं करता था। तो मैं 2 दिन गई, पैसे उन्होंने पहले जमा करा लिए, मैं 2 दिन गई, लेकिन 2 दिन के बाद मुझे टीचर ही नहीं मिलता था। तो फिर मैं जाना ही बंद कर दी मैंने, पर मुझे बटन दबाना आने लगा। इसके बाद जब वो इधर उधर हो जाता था, कहीं बाथरूम चला जाता था या कहीं कहीं, और फाइल नहीं होती थी उसमें, तो मैं कुछ कुछ बटने दबाती थी या उससे पहले आके कोशिश करती थी। इसके बाद हमारी बेसिक ट्रेनिंग हुई लखनऊ में, तो मैंने वहां पे 1 हफ्ता सीखा। तो वहां से बेसिक चीजें मैंने सीख ली। बेसिक चीजें सीखने के बाद फिर जब आई तो मुझे भी लगा कि मैं भी चलाऊं। तो जब अकेले होते थे, इसके पहले मेरे पहले एक दीदी है, उन्होंने सीख लिया था, मीरा दीदी, तो वो चलाने लगी थी। तो मैं उनसे बोली कि दीदी मुझे भी सिखाया करिए। तो जब खाली होता था, तो जब मैं वहां से सीख के आई थी, तो वो दे देती थी मुझे कंप्यूटर कि लो ये बनाओ वो बनाओ, तो मैं बनाती रहती थी। ऐसे धीरे धीरे उन्होंने खुद में फाइल बनाना टाइपिंग करना शुरू कर लिया, तो वो ऑपरेटर हट गया और वो काम करने लगी उसकी जगह। एक दिन क्या हुआ कि उनकी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द था, फूल रही थी आंखें। तो मैंने कहा चलिए मैं आज करती हूँ आपकी जगह। बोले नहीं तुम नहीं कर पाओगी दीदी। नहीं, मैंने कहा दीदी मैं आपका देख देख के ना थोड़ा सीख गई हूँ, करती हूँ। तो मैंने टाइपिंग सीखी। उस वो मेरा एक बहुत बड़ा चांस था कि उनकी आंखों में दर्द होना और मुझे टाइपिंग आ जाना। तो मैं बहुत खुश हुई कि अरे अब तो मैं सीख रही हूँ, बन जाएगा मुझसे।
और फिर मैं ऐसे कंप्यूटर चलाने लगी, जो हमारी फाइल थी जिसमें हम काम करते थे, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा है, उसमें काम करने लगे। तो फिर मुझे फोटोशॉप भी आ गया, कंप्यूटर में टाइपिंग करना, सेटिंग करना, किस तरह से पेज बनाना है, वो सारा कुछ मैंने सीखा। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक हुआ तो फिर चुनौतियाँ, क्योंकि वो तो सीख लिया, अब उसमें आदत पड़ गई। अब मोबाइल चलाना है तो, क्योंकि हमने तो बड़ा मोबाइल चलाया ही नहीं था कभी, बड़ा क्या, छोटा मोबाइल भी नहीं चलाया था, पर वो काम पे आने के लिए छोटा मोबाइल दे दिया गया था। तो फिर जब मोबाइल आया तो बहुत डर लगा, कैसे करेंगे, कैसे वीडियो बनाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन उसके लिए भी हमारी ट्रेनिंग हुई और हमने बड़े उत्साह से सीखा। समझो कि जब हमें फोन मिला और ये कहा गया कि आप बाहर निकल के जाओ और कैसे खबरें करना है, क्या शॉट लाना है, वो आप खुद चूज करो, देखो, तो मतलब ऐसे लग रहा था कि पूरी दुनिया हमारे हाथ में है। मतलब एक फोन पा करके और आजादी दे दी गई कि आप जाओ, जैसे तुम्हें फोटेज लेना है, जो भी तुम्हें इंटरव्यू करना है, कैसे तुम कर सकते हो, करो। तो मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया हमें मिल गई। हम कितने सारे फुटेज लिए हमने, कई तरह के जो लॉन्ग होते हैं, शॉर्ट होते हैं, टिकटॉक होते हैं, कई तरह के शॉर्ट लिए हमने, इंटरव्यू भी लिए, खुद भी अपना पहुंच लिया बहुत अलग अलग तरह का। तो वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। और फिर हमने आगे उन चुनौतियों को पार करके मोबाइल सीखा। अब आप अगर पूछें तो कंप्यूटर भूल रहा है, मोबाइल इतना घुस गया है अंदर कि उसको ज्यादा वो मिल रहा है। और मोबाइल में जो ये सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे ट्विटर, यूट्यूब, इनका, इनके बारे में आपकी क्या राय है और इनको आप कैसे इस्तेमाल करती हैं? देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम अपनी चीजें डालते हैं, जो हमारी कवरेज होती है, जो हमें लगता है कि यहाँ पे डालना चाहिए। ट्विटर मैं थोड़ा कम चलाती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत चीजें अलग तरह की होती हैं और इंग्लिश में होती हैं, तो कई बारी थोड़ा डर लगता है। पर हाँ, यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप, सिग्नल और इंस्टा, ये तो अच्छा लगता है चला। और यहाँ पे सारी जगह हमारी कवरेज जाती है। जी बिल्कुल, आपकी कवरेज को हम लोग अच्छे से देखते भी हैं। इसी चीज पे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोरोना महामारी और उसके कारण होने वाले जो लॉकडाउन हुआ, उसने आपके जमीन स्तर पर जो आप रिपोर्टिंग करते हैं उसे कैसे प्रभावित किया? बहुत प्रभावित किया, क्योंकि उस समय जब पूरा लॉकडाउन हो गया था और हमें अपने आप को भी बचाना था, तो हमने कड़ी मेहनत की, लोगों से मिलके बातचीत की, अपने आप को भी बचाव किया हर तरह से, चाहे वो सैनिटाइज के साथ जाना हो, चाहे मास्क लगाना हो या ग्लव्स पहनना हो, पूरा ढक के जाना, तो ये हमने किया। पर लोगों पर कवरेज की कि उस समय लोगों के लिए क्या बीत रही है, और उस समय स्थिति ये थी कि सबसे ज्यादा लोगों को काम नहीं मिल रहा था, लोग भूखों मर रहे थे, तो कई हमारी ऐसी कवरेजें हैं जिसके थ्रू लोगों को पेट के लिए खाना मिला। जो लोग बाहर थे, बाहर से कॉल आए, हमने वहां पे लोगों की मदद की, और आज भी वो लोग हमें कॉल करके धन्यवाद दे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारी। और उसमें मतलब फोन और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सारे काफी काम आए होंगे आपकी कवरेज को दिखाने के लिए दूसरे लोगों को। कोई भी पैदल लोग चल रहे थे, लोगों के पांव फूल रहे थे, जहाँ पे क्वारंटाइन थे, खाने को नहीं मिल रहा था, तो हम लोग छोटे छोटे वीडियो बना के कहीं फेसबुक में डाल रहे हैं, कहीं इंस्टा पर डाल रहे हैं, कहीं कहीं पे डाल रहे हैं, और जो यूट्यूब में है, फेसबुक में, लाइव भी कर रहे हैं। तो मतलब बहुत अलग अलग तरह का नज़ारा दिखाने के लिए मिला और अच्छा लगा कि हाँ, कुछ प्रभाव पड़ रहा है। जरूरी है। और इसी प्रभाव पे मैं बात करना चाहती हूँ कि खबर लहरिया के 20 साल पूरे होने पर आपको और आपकी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी राय में खबर लहरिया की सफलता का क्या राज है? देखिए, खबर लहरिया की
कि सफलता सबकी मेहनत है और सबकी चुनौतियां हैं जो लोगों ने पार करके आगे बढ़ाया है। मुझे लगता है कि अब हमारा जो खबर लहरिया है वो यंग स्थिति में है, तो हम तो बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि बहुत ऊंचाइयों तक हमारा खबर लहरिया जाए। 20वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाने वाले। जी बिल्कुल। जाते जाते बस मेरा आपसे ये एक और सवाल है कि आप युवा युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहती हैं? जी जी मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो लोग डरते हैं आगे बढ़ने में और चार दीवारियों के अंदर रह के घुटते हैं, वो जागरूक हों। जागरूक हैं लोग, ऑलरेडी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुरुष सत्ता है वो हावी, अभी भी हावी है, कितना भी जागरूकता फैल जाए तो उससे लोग छुटकारा पाएं, आगे आएं और अपनी मंजिल को पाएं। उसके लिए लड़ाई जरूर लड़नी पड़ रही है, लेकिन लड़ाई लड़के ही कोई काम मिलता है। जब हम किसी मुकाम तक पहुंचते हैं तो उसके लिए पहले हमें संघर्ष करना बहुत जरूरी होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी, और हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातें करने के लिए, और मैं काफी प्रेरित हुई हूँ और मुझे यकीन है कि हमारे दर्शकों को भी उतना ही अच्छा लगा होगा जितना मुझे आपसे बात करके लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच टू आवर व्यूअर्स। डू सब्सक्राइब टू कार्नेगी इंडियाज यूट्यूब चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू रिसीव अपडेट्स। फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया फॉर मोर कॉन्टेंट।